हेलो एवरीवन, आज हम जिस जजमेंट का एनालिसिस करने वाले हैं ये सीआरपीसी के सेक्शन 482 से रिलेटेड है और ये जजमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। केस का नाम है चिलाकमारथी वेंकटेश्वरलू एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अनदर। इस केस में जजमेंट देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी ओनली इन रेयर केसेस। द पावर टू क्वेश द प्रोसीडिंग्स इज जनरली एक्सरसाइज व्हेन देयर इज नो मटेरियल टू प्रोसीड अगेंस्ट द पिटिशनर्स इवन इफ द एलिगेशंस इन द कंप्लेंट आर प्राइमा फेसी एक्सेप्टेड एज ट्रू। यानी कि उच्च न्यायालय केवल दुर्लभ मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है। कार्यवाहियों को समाप्त करने की शक्ति का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं होती है, भले ही परिवाद के आरोपों को प्रथम दृष्टया सही स्वीकार किया गया हो। यहाँ कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट जनरली अपनी इनहेरेंट पावर का यूज़ नहीं करेगा जो सीआरपीसी के सेक्शन 482 से उसे मिली हुई है। इस पावर का यूज़ केवल रेयर केसेस में ही किया जा सकता है। अब यहाँ पहले सीआरपीसी के सेक्शन 482 के प्रोविजंस को समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है, उसके बाद हम जजमेंट में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे। सो सेक्शन 482 इज टॉकिंग अबाउट सेविंग्स ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट विच सेज Nothing in this code, here code means Code of Criminal Procedure 1973, shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice. तो इस सेक्शन से हाई कोर्ट के पास जो इनहेरेंट पावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट क्या कर सकता है ये देखते हैं। तो पहली बात, High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code. यानी कि High Court कोई ऐसा order pass कर सकता है जो CRPC के तहत किए गए किसी order को effect देने के लिए ज़रूरी हो। Second, High Court to make such orders as may be necessary to prevent abuse of the process of any court. यानी कि High Court कोई ऐसा order कर सकता है जो किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग यानी कि गलत तरीके से उपयोग करना रोकने के लिए ज़रूरी हो। और तीसरा, हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी अदरवाइज टू सिक्योर दी एंड्स ऑफ जस्टिस। यानी कि हाई कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर भी कर सकता है जो किसी अन्य तरीके से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी हो। तो वापस चलते हैं केस की तरफ और आगे के जजमेंट को देखते हैं। चिलाकमारथी वेंकटेश्वरलू के केस में जजमेंट देते हुए बेंच ने इन अर्लियर जजमेंट्स को रेफर किया एंड सेक्शन 482 में पावर्स के स्कोप से रिलेटेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस किए, जिसमें पहला है द प्लीनरी इनहेरेंट जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी मे बी एक्सरसाइज्ड टू गिव इफेक्ट टू एन ऑर्डर अंडर द कोर्ट टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड टू अदरवाइज सिक्योर द एंड्स ऑफ द जस्टिस। तो यही सब हम अभी पिछली स्लाइड में समझ चुके हैं, इसीलिए इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे और आगे के ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा द इनहेरेंट जरिस्डिक्शन दो वाइड एंड एक्सपेंसिव हैज़ टू बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली केयरफुली एंड विथ कॉशन एंड ओनली व्हेन सच एक्सरसाइज इज जस्टिफाइड बाय द टेस्ट स्पेसिफिकली लेड डाउन इन सेक्शन इटसेल्फ दिस इज टू मेक ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर द कोर्ट टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और टू अदरवाइज सिक्योर दी एंड्स ऑफ जस्टिस। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट का जो इनहेरेंट जरिस्डिक्शन है वो वाइड एंड एक्सपेंसिव है, जिसको संयम पूर्वक सावधानी पूर्वक और सतर्कता के साथ ही एक्सरसाइज किया जाना चाहिए और केवल तभी एक्सरसाइज किया जाना चाहिए जब ये सेक्शन की लैंग्वेज में दिए गए टेस्ट को जस्टिफाई कर रहा हो। The bench further observed that for interference under section 482, three conditions are to be fulfilled. The first one is The injustice which come to light should be of a grave and not of a trivial character. The second is, it should be palpable and clear and not doubtful. And the third is, there should exist no other provision of law by which the party aggrieved could have sought relief. इसका मतलब है कि सेक्शन 482 के इंटरफेरेंस के लिए तीन कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। पहली, जो इनजस्टिस सामने आया है वो बहुत गंभीर होना चाहिए, ना कि तुच्छ प्रकृति का, यानी कि मामूली सा होगा तो उसके लिए हाईकोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का यूज़ नहीं कर सकता है। दूसरी, ऐसा इनजस्टिस पल्पेबल यानी कि प्रत्यक्ष हो
एंड क्लियर हो, यानी कि स्पष्ट हो एंड बिना किसी संदेह के हो। और तीसरी बात है कि लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होना चाहिए जिससे एग्रीव पार्टी रिलीफ ले सके। द बेंच फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट इन एक्सरसाइजिंग ज्यूरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 482 इट इज़ नॉट परमिसिबल फॉर द कोर्ट टू एक्ट as if it were a trial court. The court is only to be prima facie satisfied about existence of sufficient ground for proceedings against accused. For that limited purpose, the court can evaluate materials and documents on record, but it cannot appreciate the evidence to conclude whether the materials produced are sufficient or not for convicting the accused. यानी कि जब सेक्शन 482 के तहत ज्यूरिस्डिक्शन को हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा हो तो ये परमिसेबल नहीं है कि वो ट्रायल कोर्ट की तरह एक्ट करने लगे। कोर्ट को केवल इस बात से पहले सेटिस्फाई होना चाहिए कि एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीड करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या फिर नहीं, और इस लिमिटेड पर्पज़ के लिए कोर्ट को ऑन रिकॉर्ड मटीरियल्स एंड डॉक्यूमेंट्स को ही एवेल्यूएट करना चाहिए। बट कोर्ट ये नहीं कर सकता कि वो सारे एविडेंसेस को देखे इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि जो मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है वो एक्यूज को दोषी ठहराने के लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं। बेंच ने आगे कहा कि हाई कोर्ट को सेक्शन 482 के ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते टाइम ऐसी इंक्वायरी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए कि एविडेंसेस रिलायबल हैं या नहीं, या फिर अगर एविडेंस को रीजनेबल तरीके से देखा जाए तो एलिगेशन सस्टेनेबल ही नहीं है, क्योंकि ये सारे काम ट्रायल जज के होते हैं ना कि अंडर सेक्शन 482 हाई कोर्ट के। The bench further said that the High Court may have an obligation to intervene under Section 482 of the Court in cases where manifest error has been committed by the magistrate in issuing process, despite the fact that the alleged acts did not at all constitute offences. However, it is important to remember that while exercising power under this section, the High Court does not function as a court of appeal or revision. यानी कि हाई कोर्ट पर उन केसेस में सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत हस्तक्षेप करने की बाध्यता हो सकती है जहां ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मजिस्ट्रेट से प्रोसेस इशू करने में गलती हुई है। हालांकि ये याद रखना भी ज़रूरी है कि सेक्शन 482 की पावर्स को एक्सरसाइज करते टाइम हाई कोर्ट अपील या रिवीजन कोर्ट की तरह काम नहीं कर सकता है। बेंच की हुई अगली ऑब्जर्वेशन को देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग द पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी शुड नॉट बी एक्सरसाइज टू स्टाइफल लेजिटिमेट प्रोसिक्यूशन। At the same time, if the basic ingredients of the offence alleged are altogether absent, the criminal proceedings may be quashed under Section 482 of CRPC. यानी कि High Court Section 482 of CRPC की powers को किसी legitimate prosecution को दबाने के लिए exercise नहीं कर सकता। लेकिन इसी के साथ ही अगर कथित अपराध के basic ingredients ही किसी criminal proceeding से absent हो, तो ऐसी criminal proceedings CRPC के Section 482 में quash की जा सकती है। The bench further observed that it is well settled that where the allegations set out in the complaint or charge sheet do not constitute any offence, it is open to the High Court exercising its inherent jurisdiction under Section 482 of the Court to quash the order passed by the magistrate taking cognizance of the offence. यानी कि ये well settled है कि जहां complaint और charge sheet कोई offence constitute नहीं करते हैं, तब हाई कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 482 में अपने इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करके ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेते हुए मजिस्ट्रेट के पास किए गए ऑर्डर को क्वेश कर सकता है। एंड देन द बेंच फाइनली ऑब्जर्व्ड दैट द इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। सच पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड टू डू समथिंग व्हिच इज एक्सप्रेसली बार्ड अंडर द कोर्ट। जिसका मतलब है कि सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का उद्देश्य अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुरक्षित रखना है। ऐसी पावर को किसी ऐसे काम को करने में एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है जिन्हें स्पष्ट रूप से सीआरपीसी में बार यानी कि वर्जित किया गया हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड लीगल ग्रेविटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे बटन पर क्लिक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।